तो मैं आप सभी को एक पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको NSDL से अगर पैन कार्ड बनाए हुए हैं तो आप पैन कार्ड को आप घर बैठे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है तो आप आधार कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से एक PDF के रूप में। तो उसी तरह से अगर आप UTI के माध्यम से अगर पैन कार्ड बनाए होंगे तो आप UTI का पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे एक PDF के रूप में। आप कितना दिन में पुराना हो गया हो पैन कार्ड, आपके पास पैन नंबर से केवल आप पैन कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो पैन नंबर से आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पैन कार्ड बनाने से कोई भी अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड बनाना हो या सुधार करना हो या पैन कार्ड टूट गया है घर पे मंगाना हो या पैन कार्ड डाउनलोड करना, तो उन सभी का वीडियो चैनल पर बना हुआ है। तो जाकर चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं और अपना घर बैठे सभी चीज़ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं पहले यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ UTI पैन डाउनलोड। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे आपको पेज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ई पैन कार्ड UTI ITSL। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ई पैन डाउनलोड ई पैन लिखा हुआ रहेगा तो वही वाली पर क्लिक करेंगे। वैसे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से इस वाले लिंक पर आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। इस वाले लिंक पर आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर जो पैन नंबर होगा यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको ईयर और यहाँ पर मंथ केवल डालना था, यानी कि पहले आपको मंथ डालना होगा। जैसे अभी मार्च 2022 चल रहा है तो यहाँ पर मार्च डालेंगे और इसमें 2022 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको GST नंबर जो है यहाँ पर आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ देना है, इसे नहीं डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखा रहा है ये वाला कैप्चा, इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा डिटेल देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी आपका जो डिटेल जो फिल किया गया होगा वो डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आपको पैन कार्ड जो डिजिट होगा यहाँ पर कुछ दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा पैन के साथ वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाएगा। जो आपका मेल आपका लिंक होगा, जो ईमेल आईडी, वो लिंक यहाँ पर आपको शो कर जाएगा इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है इस वाला बॉक्स में आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है OTP का मोड। आप OTP किस पर मंगाना चाहते हैं, आप मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं या मेल पर? तो यहाँ पर मेल पर मंगाना तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल पर मंगाना तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई लेगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक करना है, यानी चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर कैप्चा डाल चुका हूँ, कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर मेल पर मंगा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। आपको पेज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड OTP इज सेंड योर ईमेल। तो ईमेल पर आपको OTP सेंड कर दिया गया, यहाँ पर आपको OTP दर्ज कर लेना है जो आपके ईमेल आईडी पर गया है। इसके बाद सबमिट करना है। मैं अपना यहाँ पर OTP डाल लिया हूँ, जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पर ये वाला मेल पर आप मेरा OTP आया है, ये वाला OTP मैं दर्ज कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, सबमिट पर ऐसा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 8 रुपये 26 पैसे यहाँ पर पेमेंट करने का, जो आपको पैन कार्ड EPDF के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर आप पेमेंट कटवाएंगे, यानी कि जिस आईडी से आप पेमेंट कटवाएंगे, जो आप बैंक से कटवाएंगे पेमेंट, उस बैंक का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, या तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको पैन कार्ड में लिंक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं ना, जो आपका मोबाइल चालू होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर OTP नहीं आएगा। वहाँ पर जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जो पेमेंट कटेगा ना, वही पेमेंट का यहाँ पर रिसिप्ट इस पर प्राप्त हो जाएगा। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे मोड दिया गया है। यहाँ पर जैसे पे बाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल डेस्क का ऑप्शन है, इस पर यहाँ पर चेक बॉक्स इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट है, इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो आप जैसे ही बिल डेस्क वाले के नीचे कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का मोड आ जाएगा, आप पेमेंट किस मेथड से करना चाहते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या तो आप अपना फोन पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यहाँ पर वॉलेट पर भी आकर कर सकते हैं, और यहाँ पर QR कोड स्कैन करके भी चेक यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप UPI के माध्यम से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भीम UPI लिखा है, मेक पेमेंट वाला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको QR कोड शो कर जाएगा।
आपको इस तरह से क्यूआर कोड यहाँ पर शो करके, यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप दो मेथड यहाँ भी दिया गया है, आप अगर यूपीआई नंबर है तो यहाँ पर डाल के आप कर सकते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, आप अगर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पर आपको क्लिक करेंगे ना तो आपको पेज रिफ्रेश होकर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट करने के लिए आपको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर चुका हूँ, इसके बाद पेमेंट करने के लिए मैं अपना फोन पे में स्कैन कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस हो जाएगा आपके फोन पे में, या आप जिससे भी कर सकते हो इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन शो इस तरह से करेगा, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको अगर कट जाएगा तो आपको फिर से सभी डिटेल यहाँ से फिलअप कर लेना, और सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा से वही डिटेल सब करना है जो शुरू में आप किए होंगे, आपको दोबारा से इसी तरह से कर लेना जब पेमेंट कटने के बाद अगर हट जाता है तो। तो मैं यहाँ पर दोबारा से ओटीपी सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, सबमिट करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया ई पैन अप्लीकेशन इक्नॉलमेंट रिसिप्ट, यहाँ पर इक्नॉलमेंट नंबर, यहाँ पर ई पैन का इक्नॉलमेंट नंबर है ये वाला, और ये इक्नॉलमेंट नंबर आपको फोटो खींच के रख लेना है। और यहाँ पर मोड यहाँ पर बताया गया है पैन कार्ड ई डाउनलोड, ई पैन डाउनलोड यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे कि डेट कब आप पेमेंट किए हैं डाउनलोड के लिए, तो यहाँ पर डेट बताया गया है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैन कार्ड एप्लीकेशन जो ई वाला ईमेल आईडी, इस पर आपको एक लिंक शेयर किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि लिंक शेयर किया गया है, तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको ये वाला पेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ ई ई पैन लिंक हैज़ बिन सेंड योर ईमेल, यहाँ पर दिखाया गया ईमेल आईडी और डाउनलोड ई पैन बाई यूजिंग द लिंक, जो लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका लिंक शेयर किया गया है। साथ साथ में आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड एक फिलअप करना होगा। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे ना तो आपको पासवर्ड फिलअप करना होगा इस तरह से, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर पासवर्ड है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डेट, इसके बाद मंथ, इसके बाद ईयर, जैसे कि डेट आपका जो भी होगा यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मेल पर पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना मेल ओपन कर लिया हूँ। मेल ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से आपको लिंक आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिंक दिखाया जा रहा है यूटीआई ई पैन कार्ड के लिए, यहाँ पर लिंक आ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूटीआई ई पैन कार्ड, तो इसको क्या करना है आपको एक बार ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए आपको पासवर्ड किस तरह से डालना है, आपको पासवर्ड यहाँ पर समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 29/2 अगर 1972 का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो आपको पासवर्ड पीडीएफ के लिए, देखिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए पासवर्ड ऐसे डालना है 29/2/1972, ये हाइफन वगैरह कुछ नहीं डालना है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो पूरी तरह से, यहाँ ऐसे अगर डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आपको पासवर्ड में आपको इस तरह से डालना है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है पासवर्ड में। आप एक बार ध्यान से देख लेंगे पासवर्ड, यहाँ पर ऐसे पासवर्ड डालना है पीडीएफ वाला जो आपका ओपन हुआ। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ लिंक को। यहाँ पर चलिए चले आए हैं हम, और यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला वाला पीडीएफ वाला चूज करूँगा ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेज इस तरह से ओपन डाउनलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड आपको डाल लीजिए जिस तरह से आपका पासवर्ड मैं आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबमिट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मन में किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।